मुसीबत बेटा होई सी उमर जवान में। नू कहले कि बेटा अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, तुझे पता नहीं है कि जेल की हवा कैसी होती है। अभी तू नया नया आया है और के बताने लगी कि सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह गद जी गबरद तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गद जी गबरद तेरा बंद मकान में। सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह गद जी गबरद तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गद जी गबरद तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई तेरी सुन करेंगे, बधाई तेरी सुन करेंगे, बधाई तेरी सुन करेंगे, बधाई तेरी सुन करेंगे। शेर की मामन कहा करेंगे, शेर की मामन कहा करेंगे हिंदुस्तान में। भगत सिंह गद जी गबरद तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गद जी गबरद तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय नौजवान इस देश के लिए शहीद होके गए जम है जब कहीं हमें आजादी मिली है। प्रेमी छजनों ये नाम तो सरकार की लिस्ट में लिखे हुए हैं और ऐसे तो पता नहीं कितने नाम हैं जो लिखे भी नहीं गए हैं। प्रेमी छजनों उस माँ के दिल से पूछो जिसका बेटा चला गया, अरे उस बहन के दिल से पूछो जिसका भाई चला गया, अरे उस पत्नी के दिल से पूछो जिसके मां का सिंदूर उजड़ गया। प्रेमी छजनों कहते हैं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक एक भी बूंद है हमारे जिस्म के अंदर तब तक भारत माँ का आंचल लीलाम नहीं होने देंगे। प्रेमी सजनों बताया जाता है कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ज्यादा उम्र नहीं थी, 21-22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, लेकिन फांसी पे झूलते झूलते सिर्फ एक ही बात कहेंगे, क्या? मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, 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 फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म तन फिर जनूंगी, अगले जन्म तन फिर जनूंगी, इसी संतान में। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश हमें।
आप सभी से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, क्या ये रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बड़े बुजुर्ग को तो अच्छी लग रही है, लेकिन हमारे इधर कुछ नौजवान बैठे हैं, शायद उनको अच्छी नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, थारी फीलिंग समझो, तुम नुचाओ दो चार ढोंगे लग जा, डांस वांस हो जा तो जी सा आ जाएगा, गर्मी दूर हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग की चाहते तो छोटी सी बात नौजवानों के लिए कह दूं कि कहते हैं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। ओहो, देख सनम का नाम लेते चेहरे पे मुस्कान आ गई। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, और दो गज जमीन भी नहीं मिली कि तुम्हारे इस तन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, हसीना भी उतार देंगे दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। प्रेमी सजनों, बताया जाता है कि जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं, जब फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेजों ने कहा था भगत सिंह से कि भगत सिंह तू हमारे सामने घुटने टेक करके हमसे माफी मांगेगा तो हो सकता है ये जो तुझे जो फांसी हो रही है ये तुझे फांसी ना हो। तो प्रेमी सज्जनों, भगत सिंह ने एक बात कही थी उन अंग्रेजों से कि अरे माफी तो वो मांगता है जो गुनहगार होता है, अरे माफी वो मांगता है जो इस देश का गद्दार होता है। ना ही तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और ना ही मैं इस देश का गद्दार हूँ, मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगा। नू कहने लग गया कि लिखा कर कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम बैठे हो उनसे फरियाद क्या करना। प्रेमी सजनों, कहते हैं कि जिसका भी इस दुनिया में जन्म हुआ है, मुट्ठी बांध करके इंसान इस दुनिया में आता है और मुट्ठी खोल करके जाता है। जिस इंसान का जन्म हुआ है एक न एक दिन मरना भी जरूरी है, मरना भी जरूरी है। किस्मत में लिखा है कि जन्म हुआ है तो मरेगा भी, लेकिन इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो दुनिया याद रखती है, अगर इंसान के कर्म बुरे होते हैं तो दुनिया भी याद नहीं रखती है। कैसे? लास्ट बात के माध्यम से क्या बताया मांगेराम जी ने, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, श्री मांगे राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का सरना, श्री मांगे राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का सरना, अमर के बिना में अमर सह करना, 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 एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, सुखला भगवान में भगत सिंह बदली गबरा तेरा बंद मकान में, मैं चाहूंगी इस देशभक्ति रागनी की अंतिम लेन है, मैं चाहूंगी जो इस बात को मानते हैं, जो फौजियों का सम्मान करते हैं, जो उन शहीदों का सम्मान करते हैं, मैं चाहूंगी एक बार शहीदों के लिए दोनों हाथ उठा लो सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे, अंकल जी उठा लो कोई बड़ी बात नहीं है, उठाएंगे दोनों हाथ सीधे, आप उठाएंगे दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे, और कहना है क्या, अरे भगत सिंह भगत सिंह जी अब राजा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह जी अब राजा तेरा बंद मकान में।